दोस्तों अगर आप यूज करते हैं बीएसएनएल का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन, जिसे दोस्तों भारत फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दोस्तों आप इसे बीएसएनएल एफटीटीएच के नाम से भी जानते हैं, और आप चाहते हैं कि डेटा बैलेंस को चेक करना, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आज आपने कितना डेटा बैलेंस यूज किया है, या फिर इस महीने में कितना डेटा बैलेंस यूज किया है और आपका अभी डेटा बैलेंस कितना बचा है। सब कुछ दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आकर के BSNL कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन पे आपको BSNL से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। अब जैसा कि दोस्तों आप इस पर बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट, आपको यहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि लैंडलाइन कंप्लेन बुक कराना है, कस्टमर केयर से रिलेटेड, और जैसा कि अगर प्लान भी जानना चाहते हैं, जैसे आप भारत फाइबर का प्लान जानना चाहते हैं, तो ये टैरिफ भारत फाइबर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपके स्टेट के सारे भारत फाइबर प्लान्स के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे कि आप BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉडबैंड पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपके स्टेट में BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब अगर लैंडलाइन प्लान्स के बारे में जानना है तो वो भी दिख जाएगा, प्रीपेड भी दिख जाएगा, और पोस्टपेड, मतलब सारे प्लान्स भी आपको इस एप्लीकेशन पे जा करके आप देख सकते हैं। अब अपना स्पीड टेस्ट करना भी चाहते हैं इंटरनेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने घर पे BSNL का फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, जिसमें दोस्तों BSNL प्रॉमिस करता है कि वो 30 Mbps का स्पीड देगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि BSNL उससे भी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको अगर अपना डेटा बैलेंस चेक करना है कि आपके फाइबर इंटरनेट कनेक्शन या फिर BSNL ब्रॉडबैंड में कितना डेटा बैलेंस बचा है, तो उसको आप सबसे पहले आपको इस मोबाइल को अपने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा मोबाइल मेरे वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब आपने देख ही लिया दोस्तों यहाँ पे कि स्पीड कितना मिल रहा है, 30 Mbps प्रॉमिस करता है, उससे भी बेटर स्पीड BSNL प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं गेट सर्विस पे क्लिक करना है, तो गेट सर्विस पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका वाईफाई इस समय इससे कनेक्टेड है, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब दोस्तों क्या चाहिए आपको, ब्रॉडबैंड यूजेस आपको चेक करना है, तो सिर्फ सिंपली दोस्तों आपको ब्रॉडबैंड यूजेस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आज मैंने, जैसा कि आज सुबह से मैंने 3.25 GB यूज किया है इन 14 घंटों में, और जैसा कि आज महीने का 21 तारीख है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक हमने 165 GB डेटा यूज किया है। तो ये सारे डिटेल्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि BSNL का जो प्लान है जिसमें हमें 3300 GB डेटा मिलता है 30 Mbps के स्पीड के साथ, तो दोस्तों मैं तो पूरा डेटा यूज भी नहीं कर पाता। क्या आप लोग पूरा डेटा यूज कर लेते हैं BSNL का, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप BSNL का फाइबर इंटरनेट कनेक्शन या फिर BSNL का ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक फैसिलिटी और भी दी गई है, आप यहाँ पे वाईफाई स्कैन पे क्लिक करेंगे और डिवाइस पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये भी बता देगा कि आपके डिवाइस से, आपके वाईफाई राउटर से कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, उनके मैक एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 5 डिवाइस कनेक्टेड है मेरे राउटर से, और सबके मैक एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को तो मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप अपने BSNL ब्रॉडबैंड के डेटा बैलेंस को चेक कर सकते हैं, और दोस्तों ये वाईफाई से ही आपके बिलिंग डिटेल्स भी बता देगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा बिल भी आपको बता देगा कि आपका बिल कितना है, वो भी आपको आपके स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं आप, और उसको आप देख भी सकते हैं, और उसका पेमेंट भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है ये BSNL कनेक्ट एप्लीकेशन, जिसके थ्रू दोस्तों आप BSNL के सारे, जी हाँ दोस्तों, BSNL के सारे फैसिलिटीज़, टैरिफ और इंटरनेट स्पीड टेस्ट, डेटा यूजेस और बहुत सारी जानकारियाँ आप इस एप्लीकेशन से चेक
कर सकते हैं और आप इस एप्लीकेशन से ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस BSNL कनेक्ट एप्लीकेशन के बारे में पता चले और वो भी बहुत ही आसानी से BSNL के सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।